ये 5 लेफ्ट हो गई है, इसको इग्नोर करते हैं। ये फाइल, अच्छा इस फाइल के अंदर हमने ये जो हमारे पास कुछ मार्किंग्स हैं इसके अंदर फोल्ड ऐड करने हैं, ठीक है। और फोल्ड ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले, आप देखें कि आप एडिट पैटर्न टूल से आप इन लाइंस को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि तो ये रेफरेंस लाइन है। देखिए मैं किसी को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। अब हमने करना ये, पहले तो इनको ट्रेस करना है। हम ये लेंगे ट्रेस टूल और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके इसको राइट क्लिक करेंगे एंड देन हम करेंगे ट्रेस एज इंटरनल शेप और इंटरनल लाइन। तो ये इसी तरह मैं सबको सेलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट प्रेस करके। हाँ और ट्रेस एज इंटरनल शेप, ये हमारे पास आ गई है इंटरनल लाइन सर, ठीक है। ओके इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं इसको कर देता हूँ फ्रीज। सही है, मैं एक और आपको चीज बता देता हूँ। हाँ मैं एक पैटर्न ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर, अच्छा एक और चीज भी अभी आप देख लें, अभी मैंने इसके अंदर इंटरनल लाइंस ऐड कर दी। मैनुअल वे ये है कि मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल लूँ, इंटरनल पॉलीगॉन, ठीक है, और मैं इसके अंदर कुछ ड्रॉ कर दूँ। ये बिल्कुल पेन टूल की तरह काम करता है, जिस तरह इलस्ट्रेटर में। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मुझे बड़े इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लाइंस चाहिए, ठीक है, मैं राइट क्लिक करूँगा, ऑफसेट एज इंटरनल लाइन। अब मैं इसको यहाँ पे मेजरमेंट बताऊंगा कि मुझे 3 सेंटीमीटर के ऊपर या 3 काम है, मुझे 10 सेंटीमीटर पे एक लाइन चाहिए, और ये भी बता दूंगा कि मुझे कितनी नंबर ऑफ लाइंस चाहिए। यहाँ पे 1 है, मैं इसको, ठीक है, 7 कर दिया। ये एक मैंने रैंडम पैटर्न आप लोग भी बना के देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पैटर्न आ गया है और मेरी यहाँ पे लाइन शो नहीं हो रही, मैं इसको शो करने के लिए अपने इस मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ से करूंगा शो इंटरनल लाइंस, ठीक है, ये मेरे पास लाइन शो हो गई। ये हमारा फेस है और ये बैक साइड है फैब्रिक, और यहाँ पे टूल है हमारे पास फोल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। इसको मैं क्लिक किया और किसी भी लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब मैं इस लाइन पे क्लिक करके इसको एंगल दे सकता हूँ फोल्ड, मैं इसको बता सकता हूँ कि आपने इस एंगल पे फोल्ड होना, ठीक है। और जब मैं ये कर रहा हूँगा तो आप नोटिस करें इस जगह पे, फोल्ड एंगल वाली जगह पे, यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है हमारी, ठीक है, 193, 225, 279, ये एंगल है हमारा, टोटल 360 डिग्री तक जाता है, ठीक। तो आप इसको वहाँ से मैनुअल भी बता सकते हैं और यहाँ से 3D में भी बता सकते हैं, लेकिन 3D में इसलिए करते हैं कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना फोल्ड यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं अभी मुझे जिगजैग बनाना है, ठीक है, ये हमारा बैक गियर, मैं इसको क्या करूँगा स्ट्रेंथन कर दूंगा, ठीक है, हमने इसको स्ट्रेंथन कर दिया, तो ये भी यहाँ पे पेपर लाइक बिहेव करेगा और फोल्ड इसके अंदर ऐड हो गया। अभी एक चीज़ नोट करनी है आपने, जैसे ही मैं इसके फोल्ड्स को यहाँ पे 180 पे सेट कर दूंगा, यहाँ पे फोल्ड खत्म हो जाएंगे इसके, ठीक है, एक चीज समझानी थी आप। और हाँ ये आ गया,
और इसके अंदर अगर मैं इसको कर देता हूँ 100, तो सब एक ही डायरेक्शन में फोल्ड बन जाएंगे। पहले मैंने जिगजैग किया था, अब एक ही डायरेक्शन में बने। तो ये बेसिकली काम होता है फोल्ड का। अब हमने इस एक्सरसाइज में इस पार्ट के ऊपर फोल्ड ऐड कर दिया। मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको साथ स्कैन नहीं कर देता, ठीक है। अब हमने वन बाय वन मैनुअली, ठीक है, मैनुअली यहाँ से इस फोल्ड एंगल वाले मेन्यू से हमने इसके अंदर फोल्ड ऐड करें। सबसे पहले नीचे वाला है। अब हम सिमुलेशन ऑन करके देख सकते हैं कि हमारा किस तरफ फोल्ड आ रहा है, ठीक है। हमें इस तरफ चाहिए, नेक्स्ट पे आते हैं, हमें बाहर की तरफ निकाल, सही हो गया। अगेन हम सिमुलेशन ऑन है हमारी, हम देख रहे हैं कितना फोल्ड चाहिए, और सेकेंड लाइन पे आएंगे साइड बिल्कुल बिठाने हैं फोल्ड्स। अभी फोल्ड्स नहीं है, अभी प्लीट है सर। ये कह लें कि हम इसको प्रेस करके बिल्कुल ठीक से बिठा रहे हैं। सही हो गया। अब एक और चीज इसके अंदर ये है कि आप जब अपनी लाइन को ऑफ करेंगे तो आपको ये ना बिल्कुल थोड़ा सा राउंड राउंड फील हो, ठीक है, हमारे राउंड फील हो रहा है एजेस जो यहाँ के भी राउंड है। अगर आपने बिल्कुल ये पॉइंटी शो कराने हैं, पॉइंटी, फिर हम जोन से लाइंस पे हमने पॉइंटी शो करवाना है इनको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फोल्ड रेंडरिंग इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल एजी हो गया है जो एंड एंगल, देखो। बिल्कुल अजीब बन गए इस तरह से। अगर अगेन मैं इसको कर देता हूँ, फोल्ड रेंडरिंग ऑफ कर दूंगा, वो राउंड हो जाए। राउंड फोल्ड किया, सही है, ये फोल्ड एंगल है। समझ में आए आप लोग? जूम आउट क्या करूँ मैं बताइए, कमरा हाँ। क्योंकि हमने ना बड़ी इसको मतलब एक पार्ट पे जब काम कर रहे होते हैं ना, तो इसको ना एक पेपर लाइक फील देने के लिए, और जब फोल्ड खास तौर पर बनाने होते हैं ना, तो उसको हम ये अप्लाई कर देते हैं स्ट्रेंथन, और बाद में हम इसको खत्म भी कर देते हैं, ठीक है। इससे ठीक बनते हैं हमारे फोल्ड्स जो है, कोई भी कर्व देना हो, कोई भी एज बनाना हो फैब्रिक के अंदर, या कहीं पे बिठाना हो प्रॉपर, तो इस ये करने से ना रिंकल्स नहीं पड़ते। रिंकल्स नहीं पड़ते तो मतलब आपकी फाइल करप्ट होने का खतरा कम हो जाता है, और आपका ना फैब्रिक ऐसे आपस में घुस नहीं जाता, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में अक्सर ये होता है कि फैब्रिक आपस में ना एक दूसरे में घुस जाता है, और वो फिर निकलता नहीं है, और पूरी फाइल आपकी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ऑन सेफर साइड मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्ट्रेंथन करके आप फोल्ड ऐड करें हमेशा, और बाद में उसको स्ट्रेंथन कर दें। ये देखिए, इसमें किसी का कोई सवाल है फोल्ड के अंदर, फिर हम आगे चलेंगे।
ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हमारा टाइम कितना है? 10 मिनट है। ठीक है, हमारे पास ये एक फाइल है और इसमें से हमने क्या करना है, अभी हमने एक पोलो बनानी है। ठीक है, पोलो शर्ट, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये जो एक फॉर्मेट होता है DXF, आप लोग नज़र आ रहा है? ठीक है, ये जो फॉर्मेट होता है DXF, ये बेसिकली पैटर्न का फॉर्मेट होता है। ठीक है, हमने अब ये करना है कि हमने अपना ये जो DXF पैटर्न है, हमने ये इंपोर्ट करना है। हम इसको कर देंगे ऐड, इसको कर देंगे ऑटो स्केल और सेटिंग्स को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, हमारा ये पैटर्न लग गया। ठीक है, आपने इसके अंदर से ठीक ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये फैब्रिक होता है जेड फैब, जो फॉर्मेट होता है ये फैब्रिक का फॉर्मेट होता है। आपने ये उठा के यहाँ पे फैब्रिक वाली साइड पे ड्रैग कर। ठीक है, और इसको भी यूज नहीं करना हमने। अब हमने बेसिकली करना ये है कि हमने पोलो तैयार करनी है। ये पोलो का पैटर्न आ गया, ये फ्रंट आ गया, स्लीव्स के पैटर्न आ गए हैं, ये बैक साइड है इसकी, ये कॉलर है हाफ में। ठीक है, इसको हमने अनफोल्ड करना है और ये हमारा पॉकेट है। ठीक है, और ये हमारी ब्लैकेट है इस जगह। ठीक है, अब हमने इसको बनाना, सही है, हम सबसे पहले हम पैटर्न पूरे करेंगे क्योंकि हमारे पास वन साइड आई हुई है हर चीज़ की। इसको थोड़ा सेट कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, नहीं यूज़ करने। ये मैंने राइट क्लिक किया और मैंने कुछ सिमेट्रिक पैटर्न विद सोइंग कर दिया। ठीक है, हमारा ये पैटर्न पूरा हो गया। अब हमने कॉलर वाले पार्ट को वापस में, ठीक है, हमने यहाँ ये देखें दो पार्ट्स होते हैं, तो अगर आपने इसको मर्ज करना है तो राइट क्लिक करना है और यहाँ से मर्ज कर देना। तो ये क्या होगा कि हमारा ये पैटर्न आपस में मर्ज हो जाएगा। सही हो, हमने इसको कर देना रीसेट 2D अरेंजमेंट ताकि हमारे पैटर्न्स अरेंज हो जाएं, और इसके बाद हमने पैटर्न अरेंजमेंट और सॉरी अरेंजमेंट पॉइंट्स ऑन करने हैं और केयरफुली अपने पैटर्न्स को प्लेस करना है। ठीक है, ये कब आ गया सर? ठीक है, इसने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है मुझसे बीच में। और ये हमारा आ गया कॉलम। तो ये हमारे सारे पैटर्न पीसेस जो हैं अरेंज हो गए। ठीक है,
इसको मैं फिलहाल कर दूंगा फ्रीज या डीएक्टिवेट, ताकि अभी हम इस पे काम नहीं करें। हमारे पास ये पैटर्न पीसीज आ गए, अब हमने इनको ज्वाइन करना है, आई मीन सोइंग करनी है इसको। जी अब हम इसको फिलहाल फ्री स्विंग से भी डांस करें। ठीक है, यहाँ पे प्लेकेट लगनी है, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम निचले पार्ट जो है उसको स्टिच कर देंगे हम इसको। बाद आउट सीम या साइड सीम को हम अटैच करेंगे बैक के साथ। ठीक है, ये बैक है। और एक और चीज़ अभी हमने करनी है, बैक को मॉइस्ट कर। ठीक है, हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। ठीक है, अगर आप नेक वाली साइड से शुरू कर रहे हैं तो उधर भी हमें नेक वाली साइड से शुरू कर। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं कि यहाँ से शुरू किया है और वो यहीं से शुरू कर देते हैं, वो उल्टा हो जाता है। ओके okay, अब हम स्लीव अटैच करेंगे। अब स्लीव हमने एमएन स्विंग से अटैच कर लिया, पूरा सिलेक्शन ले लिया। अब ये एज यहाँ अटैच होना है, इसलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है और एक दफ़ा क्लिक किया, फिर जहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है उधर दोबारा क्लिक किया, और जहाँ एंड करना है क्लिक किया, और फिर शिफ्ट मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्लीव इस पार्ट पे अटैच हो गया। क्योंकि हमारा दूसरा सिमेट्रिक पैटर्न विद सोइंग था तो वो भी आउट अटैच हो। अब हम इसको कफ को अटैच कर लेंगे इसके साथ, और स्लीव की सीम्स आपस में अटैच होती हैं इसलिए हम इसको क्लोज कर देंगे इसी तरह से कफ की। ये हमारा निचला पार्ट सारा हमने अटैच कर। अब आती बारी कॉलर की। कॉलर आपने नोट करना है कि किस एज पे बड़ा होगा। ठीक है, ये देखें, जब मैं यहाँ पे कर्सर होवर कर रहा हूँ तो हमें 3D में पॉइंट नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमें इस पॉइंट को इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब वो 2D में देखें, आपको 2D में भी शो हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको जोड़ना। हम यहाँ से इसको ले लेंगे, हाफ लेंगे। ठीक है, हाफ। और इधर से स्टिच करना शुरू करेंगे, और शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने, क्लिक किया और बैक के हाफ पे आके इसको कंप्लीट कर। ठीक है, बाकी हाफ ऑटोमेटिकली लग, ये आपका गारमेंट सारा स्टिच हो गया। अब हम इसको सिमुलेट करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा गारमेंट रेडी है। अब आपको समझ में आएगा कि हमें पेंथन क्यों यूज करना पड़ता है। अब देखो, कॉलर गिर गया, अब आपको किस तरह से ठीक करोगे? इसने तो स्टैंड नहीं होना, यहाँ दोबारा गिर जाएगा, आपने सेट करना है इसको, बिठाना है ठीक से कॉलर। अब हम तो कहेंगे स्ट्रेंथन। ठीक है, ये कैसे स्टैंड हो। अब हमने फोल्ड एंगल यूज कर, फोल्ड एंगल यूज करने के साथ हम इसके अंदर फोल्ड ऐड करेंगे फॉलो वाला। मैंने इंटरनल पॉलीगॉन लाइन टूल लिया और मैं इसमें एक लाइन ऐसे बना। ठीक है, और इसके बाद मैंने वी प्रेस किया है। वी से आप अपनी लाइन में कर्व ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, स्मूथ कर्व या एडिट कर्व पॉइंट। यहाँ मैंने एक पॉइंट ऐड किया और इसको मैंने कर्व कर दिया। ओके, अब मैं फोल्ड एंगल लूंगा, इसको मैं रोटेट करूँगा।
कोड ऐड किया है उसको। ठीक है जी, ये हमारा कॉलर का कोड ऐड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आप लोग? ठीक है, तो अभी टाइम खत्म होने वाला है। आप लोगों ने ये करना है कि सारा कुछ जो मैंने किया है वो सारा कुछ करके आपने यहाँ तक, जहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है ना, यहाँ तक आप सबने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, फिर हम इससे आगे चलेंगे, इसकी फिनिशिंग, इसके अंदर प्लाकेट ऐड करना है, अभी बहुत सारा काम इसमें रहता है, तो वो सारा काम हम अगली क्लास, कल वाली क्लास में करेंगे। और ये आप लोगों ने बनाना है और मुझे ग्रुप में सेंड करना है, मैं ग्रुप में भी एक मैसेज कर दूंगा कि ये सब लोग बना के मुझे भेजें। जी, मैं इसकी फाइल आपको अभी अभी सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी, चलें, फिर कल मुलाकात होगी आप। प्लीज।